आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां, नहीं धूप कहा ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। मैंने तुझसे लक्ष्मी को मांगा था, ये भिखारन क्यों मेरे ख्यालों में आती है बार बार? हाँ? क्या प्यास लगी बापा से बोल बोल के मांग मांग के थक गई मैं, इतनी प्यास लगी। दिल को ठंडक पहुंची, ठंडक फील कर बापा, मेरे अमेरिका के ख्याल एक सेकंड में भाग जाते हैं, और ये भिखारन के ख्याल क्यों मेरे दिमाग में बार 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 आते हैं? आई तू सचमुच हमारे घर घुस आई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में पांव रखने की? बोलना, हिम्मत कैसे हुई? घर में कोई नहीं था, तूने दरवाजा कैसा खोला? कैसा? चाबी कहाँ से मिली? चाबी कहाँ से मिली या ताला तोड़ा? बोल। आई वो मुझे यहाँ मानव। ए, झूठ मत बोल। तू क्यों मेरे मानव के पीछे पड़ी है? अरे तेरे घर वालों ने उसके ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए, कहीं का नहीं छोड़ा उसको, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। या तुझे पता चला हमारे घर में कोई नहीं है तो चोरी करने के इरादे से तू घुस आई क्या? अरे तेरे गहने तो हमने वापस दे दी ना, तो मेरे गहने चुराने आई है तू? अरे वाह, समझ गई, पहले लड़कों को फंसाने का काम करती थी, आई अभी चोरी चुका रही भी। अरे वाह वाह वाह, तरक्की हो गई तेरी। आई अब ये क्या कह रहे हैं आप? क्या गलत बोला मैंने? क्या गलत बोला? तेरे मन में चोर नहीं था ना, तो घुसी कैसे मेरे घर में? आई वो मुझे मानव। बार बार वही बोलने पे मजबूर मत कर, क्यों मेरे मानव के पीछे पड़े हो तुम लोग? तुम्हारे नाटक में चलने नहीं दूंगा, बताती हूँ मैं। तुझे बताया था ना तलाक पेपर्स पर सही करने के लिए, बताया था कि नहीं? तो क्यों नहीं करती तू सही? बोलना क्यों नहीं करती? मेरे मानव को इस्तेमाल तो करना नहीं चाहती ना? ये डोले वाटर उन बगुन को सा अच्छे बाहर कड़ी आंखें फोड़ दूंगी तेरी। आज मैं तुझे मेरा गुस्सा दिखा दूँ। चल, कितनी बार बोला मेरे घर में मत आया कर, क्यों मुंह उठाते आती है? हाँ मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसी नालायक। बस आप इस तरह मुझसे कैसे बात कर सकती? क्यों, तेरे बाप ने टैक्स लगाया क्या? मैं कैसे भी बोलूंगी, कुछ भी करूंगी, तू कौन होती हो बताने वाली? और तू ध्यान में रख, मेरे घर में आई है, समझी ना? तेरे जैसी नालायक है ना मेरे घर में नहीं चाहिए। चल निकाल निकाल। आ
बेटा ये मानव देशमुख का मकान कौन सा है? ये मानव विहार। चल चल चलती हो इथुन। आइंदा इस चाली के आजू बाजू में भी दिखाई देगी ना तो तेरी टांगे तोड़ के तुझे लंगड़ी बना दूंगी। मेरा घर क्या अनाथ आश्रम है? चल के उठ के चली आई, तुझे बुलाया था, न्योता दिया था तुझे, चल दिखनी नहीं चाहिए। अरे वाह, यार को भी लेके आई क्या साथ में? अरे किस मिट्टी की बनी है रे तू? अपने पति के घर आते समय अपने यार को गाड़ी में बिठा के ऊपर चली आई तू? क्या करूं मैं तेरा, शर्म नहीं आती तुझे? कैसी माती की बनी है तू? जाति क्या है तू? जरूर पैसे ऐंठने आई होगी ना? देखा तुम लोगों ने, देखा इस औरत को, मेरे बेटे के साथ शादी की थी ना इसने, अपने माँ के घर चली गई, अभी अपने यार को लेके मेरे बेटे को मिलने आई। हाँ, अरे मैं आपको बताती हूँ, ये लोगों ने मेरे बेटे पे जो मुंह में आए वो इल्जाम लगाए, मेरे बेटे को चरित्रहीन बोला, अभी आप ही लोग बोलो, आप ही लोग बोलो, अगर आप समझ सकते हैं तो बोलो, इसमें चरित्रहीन कौन है और चरित्रवान कौन है? मेरा मानव या उल्टा? बस बंद कीजिए अभी ये बकवास। अरे हर बात की एक हद होती है, लेकिन आज आपने वो सारी हदें पार कर डाली। उस दिन आपने मेरे ऑफिस में आकर तमाशा किया, मैं चुप रहा सिर्फ आपकी सोच पर तरस खा करके। और आज फिर से यहाँ पे बीच सड़क में वही तमाशा कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। ए, शर्म बिरम जानती नहीं है मैं। शर्म बेच आई मैं बुधवार बाजार में। तू बड़ा शर्मिला दूसरे की बीवी के साथ पीछे पीछे आया, तेरी शर्म कहाँ गई? हाँ बोल ना। और ये तेरी लगती कौन है बोल, कौन लगती है वो? ये मेरी है। जाने दीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे बीच में क्या रिश्ता। अरे आप जैसे गंदे दिमाग वाले लोग दुनिया में हर एक रिश्ते को एक ही नजर से देखते हैं। एक आदमी एक औरत के बीच में एक बात एक अच्छा रिश्ता हो सकता है, ये बात आपकी समझ से बाहर। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की नियत को अच्छी तरह से जानता हूँ। आप अर्चना के साथ कैसा बर्ताव करेंगे ये भी जानता हूँ, और जानता क्या हूँ देखा हूँ। आपके इसी बर्ताव से अर्चना को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अर्चना की रक्षा के लिए यहाँ पर उसके साथ हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। चाहते थे ना? इसीलिए गैरेज में मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, और यहां अपने घर बुलाने का नाटक किया, और जब मैं आई तो यहां से चले गए।
ताकि आपकी आई आए और एक बार फिर मुझे बदनाम करे। और मैं इस तमाशे से तंग आकर इन पेपर्स पर साइन कर दूं। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे जब आपको मेरे सवालों के जवाब नहीं देने थे मानव, तो इतना सब कुछ नाटक करने की क्या जरूरत थी? मुझे उसी वक्त कह देते कि अर्चना मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना है, मतलब करना है। माना मैं चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर देती। कम से कम मैं झूठी आस लेकर यहाँ यहाँ तो नहीं आती। आपने मेरा इतना अपमान क्यों किया माधव? ये सच है कि मुझे आते आते देर हो गई, लेकिन उसकी वजह बस मैं किसी किस्म की वजह नहीं सुनना चाहती। मुझसे मिलने और बातें करने से भी ज्यादा अहम बातें आपकी जिंदगी में है और ये मैं समझ चुकी हूं। और तुम्हारे लिए भी हमारी शादी, हमारे रिश्ते के बारे में बात करना कुछ खास मायने नहीं रखता अर्चना। अगर तुम्हारी नजरों में इन बातों की अहमियत होती ना, तो तुम किसी यार के साथ नहीं आती। तुम्हारा यहाँ आना भी एक दिखावा है। तुम पहले ही तय कर चुकी हो कि तुम्हें करना क्या है। आपने मुझ पर शक किया? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। अगर आप कुछ और भी कहते ना मानव, तो मैं एक बार सह लेती। लेकिन आज आपने ये कहकर साबित कर दिया है कि अब हमारे इस रिश्ते को बचाने की कोई उम्मीद नहीं है। मानव, हर रिश्ते की नींव विश्वास होती है, पर अगर वो विश्वास ही टूट जाए ना, तो उस रिश्ते में कुछ नहीं बचता। और आज आपका विश्वास मुझ पर से उठ चुका है, तो कैसे कायम रहेगा ये रिश्ता? मानव, मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने आज तक इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। इस रिश्ते की शुरुआत आपने की थी और आज आप ही ने इसे खत्म किया है। और उस वक्त भी मैंने आपका साथ निभाया था, पर आज भी मैं आपका साथ निभाऊंगी। आप यही चाहते हैं ना कि ये रिश्ता टूट जाए? ये रिश्ता मैं तोड़ूंगी। शादी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता, पवित्र रिश्ता, जो दो अजनबियों को नजदीक लाता है, जो 7 जन्मों के लिए एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ता है। इंसान से लेकर भगवान तक इस रिश्ते को मानते हैं। क्या कुछ नहीं सोच रखा था मैंने इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आपने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आपने इस रिश्ते पर एक ऐसा दाग लगाया जिससे कि इस रिश्ते की बुनियाद ही हिल गई। होने का दावा नहीं करती, लेकिन आज उसका दर्द महसूस कर सकती हूँ। श्री राम ने कम से कम अग्नि परीक्षा के बाद सीता की पवित्रता को माना था, लेकिन मेरी लाख अग्नि परीक्षा देने पर भी आपने मुझ पर शक किया। नहीं मानव, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके इस एक पल ने मेरे दिल को कितना दर्द पहुंचा है। जिंदगी भर का चैन छीन लिया मेरा। अपना घर बचाने आई थी, हमारा रिश्ता बचाने आई थी, लेकिन यहां कर पता चला कि मैं लाख इस घर को अपना मानूं, लेकिन एक घर और यहां के लोग मुझे अपना नहीं मानते। क्या कोई मेरा अपना नहीं है?
और ना ही ये घर मेरा है। और होगा भी कैसे, क्योंकि जिस इंसान की वजह से मैं इस घर से जुड़ी हुई थी वो इंसान ही मेरा नहीं रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि भले इस दुनिया में मानव को कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं मानव को समझती हूँ, क्योंकि जिस मानव को मैं जानती हूँ वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, यही सोच मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मैं आपके साथ बने रिश्ते को हर आंधी से बचाना चाहती थी, मगर हवा इतनी तेज थी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। आप जानते हैं मानव, मैं जब इस दरवाजे से अंदर आती थी ना, तो मैं भगवान से एक ही चीज मांगती थी कि मैं जब भी इस घर से बाहर जाऊं, इस घर से मेरी अर्थी निकले। और आज भगवान ने मेरी सुन ली। आज अर्चना का शरीर तो यहां से जाएगा, लेकिन उसके जिस्म में जान नहीं होगी। आज मेरे साथ साथ मेरे सपनों की, मेरे भावनाओं की, मेरे प्यार की, मेरे मेरे विश्वास की अर्थी यहां से जाएगी। मेरा विश्वास तुमने हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया मानव, हमेशा हमेशा के लिए। मैं चाहकर भी किसी और पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूं, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी दोबारा आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगी। अर्जुन, अर्जुन,
अर्जुन क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बोल। क्या बात है बेटा, तुम ही कुछ बताओ ना। जी वो अर्चना ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया।